प्लीज सब्सक्राइब प्रगति पथ एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री जॉन टर्नर हैज डाइड एट द एज ऑफ 91। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? कनाडा, नेपाल, जापान या फिर रशिया? एंड द राइट आंसर इज कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? एंड देयर आर फोर ऑप्शंस, अनिल अग्रवाल, सीमांचल दास, राहुल सचदेवा या फिर मोहन त्यागी। सही जवाब है सीमांचल दास। इंटरनेशनल पीस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चार ऑप्शंस हैं, 10 मार्च, 12 अप्रैल, 21 सितंबर या फिर 15 जून। तो ये है 21 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट अपोजिंग द बिल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर फ्रॉम द मोदी कैबिनेट? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का पद विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? एंड देयर आर फोर ऑप्शंस, नरेंद्र सिंह तोमर, हरसिमरत कौर, कैलाश चौधरी या फिर पुरुषोत्तम रूपाला। सही जवाब है हरसिमरत कौर। रिसेंटली विच कंट्री हैज इशूड एन ऑर्डर टू बैन पॉपुलर चाइनीज सोशल मीडिया एप्स टिकटॉक एंड वी चैट इन द व्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी? हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया एप टिकटॉक और वी चैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अमेरिका? अमेरिका। How many million dollar financial assistance has been provided to Maldives by India to help deal with the impact of COVID-19 epidemic on the economy? भारत ने COVID-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? 250 मिलियन डॉलर्स, 150 मिलियन डॉलर्स, 200 मिलियन डॉलर्स या फिर 300 मिलियन डॉलर्स? 250 मिलियन डॉलर्स। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? बिहार, पंजाब, गुजरात या फिर दिल्ली? सही जवाब है गुजरात। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? किसे 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज के जीवन भर की उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी, मार्गरेट एटवुड, टोनी मॉर्सन या फिर जेके राउलिंग? सही जवाब है मार्गरेट एटवुड। Name the Indian who has been selected in the United Nations 2020 list of 17 young leaders for the Sustainable Development Goals. उस भारतीय का नाम बताइए जिसे सतत विकास लक्ष्यों के लिए 17 युवा नेताओं की संयुक्त राष्ट्र 2020 सूची में चुना गया है? शाह स्वप्निल, किशन गंगोली, उदित सिंगल या फिर कृष्ण उडुपा? सही जवाब है उदित सिंगल। Who represent India at 10th meeting of the BRICS High Representatives on National Security? राष्ट्रीय सुरक्षा पर BRICS के उच्च प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? हर्षवर्धन, सुब्रमण्यम जयशंकर, थावरचंद गहलोत या फिर अजीत डोभाल? अजीत डोभाल।
Please like, share and subscribe the channel. Which of the following players has won the Italian Open Tennis Tournament 2020 for the first time? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में 2020 जीत लिया है? सिमोना हालेप, कैरोलिना प्लिस्कोवा, गर्बाइन मुगुरुजा या फिर सेरेना विलियम्स? सही जवाब है सिमोना हालेप। विच फेमस नेपाल क्लाइंबर हु क्लाइम 10 टाइम्स विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर टू द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन डाइड रिसेंटली। दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया? निर्मल पुर्जा, अंग रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा या फिर तेंजिंग नारगे? अंग रीता शेरपा। वर्ल्ड अल्जाइमर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? विश्व अल्जाइमर दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 जनवरी, 21 सितंबर या फिर 11 जुलाई? बीते ही कुछ दिनों में यह मनाया गया है। सही जवाब है 21 सितंबर। For the first time in history of Indian Navy, which two women officers will be deployed on the warship? भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस दो महिला अफसरों को युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा? सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह, सब लेफ्टिनेंट प्रियंका त्यागी एंड कृति सिंह, सब लेफ्टिनेंट कोमल सचदेवा एंड रूपा त्यागी, सब लेफ्टिनेंट मोहनी सिंह या और अमृता त्यागी? सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? फर्स्ट वाला, सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह। ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट वैभव समिट? निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर मदन मोहन मालवीय? महात्मा गांधी। रिसेंटली इन विच कंट्री नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ स्टार्टेड? हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत हुई? नेपाल, चाइना, जापान या फिर अमेरिका? सही जवाब है अमेरिका। अ प्रॉमिस्ड लैंड इज अ प्रेसिडेंशियल मेमोयर बाय विच अमंग द फॉलोइंग लीडर्स? एक वादा भूमि निम्नलिखित नेताओं के बीच किसके द्वारा एक राष्ट्रपति का संस्मरण है? डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, स्कॉट मॉरिसन या फिर बराक ओबामा? बराक ओबामा। हाउ मेनी बीचेस ऑफ इंडिया हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल इको लेबल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? अंतरराष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए भारत के कितने समुद्र तटों को चुना गया है? 6, 11, 15 या फिर 8? 8। फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया एचडी देवेगौड़ा हैज बिकम द एमपी ऑफ राज्यसभा फ्रॉम विच स्टेट? भारत के पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा किस राज्य से राज्यसभा के सांसद बन गए हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल? कर्नाटक। पीएम मोदी टू इनॉग्रेट डैश समिट ऑन 2 अक्टूबर 2020। पीएम मोदी 2 अक्टूबर 2020 को डैश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। परिश्रम, प्रगति, आयुष्मान, वैभव? द राइट आंसर इज वैभव।
Renowned tennis player and former cricket player Ashley Barty has won the Brookwater Golf Club Women's Championship. She is from which country? विख्यात टेनिस खिलाड़ी और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी एशले बार्टी ने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती है, वो किस देश की हैं? जर्मनी, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर ऑस्ट्रेलिया? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। द इंडियन नेवी हैज कमेंस्ड अ पैसेज एक्सरसाइज विद डैश इन द ईस्ट इंडियन ओशन रीजन। भारतीय नौसेना ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में डैश के साथ एक मार्ग अभ्यास पैसेक्स शुरू किया है। चार ऑप्शंस हैं यहाँ पर, रॉयल मलेशियन नेवी, रॉयल बहरीन नेवल फोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी या फिर रॉयल नेवी ऑफ ओमान। तो सही जवाब यहाँ पर है रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has banned travel to three countries including India and the following? निम्न में किसने भारत समेत तीन देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? सऊदी अरब, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, जापान, श्रीलंका। भारत समेत तीन देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने वाला है सऊदी अरेबिया। किंग ऑफ सऊदी अरेबिया कौन है? सलमान बिन अब्दुलाजिज अल साउद। रिसेंटली विच मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज हैज डाइड एट द एज ऑफ 65 ड्यू टू कोरोना। हाल ही में किस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है? हरदीप सिंह पुरी, राजीव गौबा, सुरेश अंगड़ी या फिर मनोज सिन्हा? सुरेश अंगड़ी। Which of the following women has been chosen to fly Rafael fighter aircraft? निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? कोमल सचदेवा, शिवांगी सिंह, अंजलि सिंह या फिर अवनी चतुर्वेदी? सही जवाब है शिवांगी सिंह। The United Nations has predicted which of the following percent of the इकोनॉमी टू बी इन 2020 ड्यू टू द स्लोनेस ऑफ कोरोना एपेडमिक। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में निम्न में से कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान जताया है? 29.9%, 1.9%, 5.9% या फिर 9.9%? एंड द राइट आंसर इज 5.9%, 5.9%। एंड ग्राफ आप देख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्टर हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल बाय इंटरनेशनल मैगजीन टाइम। अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? सलमान खान, अजय देवगन, अनिल कपूर या फिर आयुष्मान खुराना? सही जवाब है आयुष्मान खुराना। द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड। हाउ लॉन्ग हैज इंडियन रेलवे सेट अ टारगेट ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ लार्ज लाइंस। भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2020, 2023, 2040 या फिर 2050? सही जवाब है 2023। इन विच स्टेट वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट मेडिकल डिवाइसेस पार्क लेड। किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया? बिहार, पंजाब, झारखंड या फिर केरल? सही जवाब है केरला। Recently, which famous chef has written the book Kitchens of Gratitude? हाल ही में किस मशहूर शेफ ने Kitchens of Gratitude टाइटल पुस्तक लिखी है? And there are four options: विकास खन्ना, राकेश सेठी, संजीव कपूर या फिर जसपाल इंदर सिंह कालरा। सही जवाब है यहाँ पर विकास खन्ना।
Please subscribe my channel and press the bell icon to stay updated. Ministry of Chemicals and Fertilizers has recently approved how many plastic parks to be set up in the country. रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है. एंड देयर आर फोर ऑप्शंस, 4, 10, 3 या फिर 2, 4, 10, 3 या फिर 2. एंड द राइट आंसर इज 10. Who has been appointed as the regional ambassador of the United Nations Environment Program? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? And there are four options: खुशी चिंदालिया, राहुल सचदेवा, मोहन कुमार या फिर अजय त्रिपाठी. सही जवाब है यहाँ पर खुशी चिंदालिया. PM Modi recently addressed the virtual Fit India Dialogue, which was organized to commemorate the dash anniversary of the Fit India movement. PM Modi ne hal hi mein virtual Fit India Samvad ko sambodhit kiya, jiska ayojan Fit India movement ki dash varshghant ke upalaksh mein kiya gaya tha. To char options hain yahan par, pehla, dusra, teesra ya fir chautha. To yahan par sahi jawab hoga first, pehla. यहाँ पर आप देख सकते हैं 29th of August at 10 AM लाइव ऑन डीडी नेशनल. लेजेंडरी क्रिकेटर एंड कोच डीन जोन्स हु हैज पास्ड अवे वाज फ्रॉम विच कंट्री. महान क्रिकेटर और कोच डीन जोन्स का निधन हो गया, वो किस देश के थे? इंडिया में जो टीम आई थी वहां के एक कोच का निधन हो गया है, तो पूछा जा रहा है किस देश के थे. आईपीएल के लिए ये टीम आई हुई थी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर वेस्ट इंडीज. सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया. विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द मोक्ष कलश योजना 2020? किस राज्य ने मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत की है? चार ऑप्शंस हैं: राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर असम. सही जवाब है राजस्थान. नेम द कंट्री विच इज गोइंग टू को होस्ट द ग्लोबल क्लाइमेट समिट अलोंग विद यूनाइटेड नेशंस ऑन डिसंबर 12 टू मार्क द 5th एनिवर्सरी ऑफ द साइनिंग ऑफ पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट. उस देश का नाम बताइए जो पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करने की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र के साथ वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करने जा रहा है. चार ऑप्शंस हैं: कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी. सो द राइट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स. द मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवचन आचोनी स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट. मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवचन अचोनी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा या फिर बिहार. तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा असमिया लैंग्वेज है ये. सो द राइट आंसर विल बी असम. द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 is slated to be held in which city? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के शहर में आयोजित किया जाना है, मैड्रिड, एथेंस, ग्लासगो या फिर डबलिन. सही जवाब यहाँ पर है ग्लासगो. ग्लासगो. Who among the following has been appointed as new Prime Minister of Somalia? निम्नलिखित में से किसे सोमालिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शंस हैं: मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद, मोहम्मद हुसैन रोबल, हसन अली खैरे या फिर उमर शर्मा के. सोमालिया का नया प्रधानमंत्री. सही जवाब है आंसर नंबर बी, मोहम्मद हुसैन रोबल. एंड हियर इज द पिक्चर.
The 51st edition of the International Film Festival of India postponed to January. Which year International Film Festival of India के 51वें संस्करण को जनवरी डैश तक स्थगित कर दिया गया? 2021, 2022, 2023 या फिर 2024? सही जवाब है 2021। ये गोवा में मनाया जाएगा। What was the profession of Ishar Jaz Ahluwalia who passed away due to brain cancer recently? हाल ही में ब्रेन कैंसर के कारण ईशर जज अहलूवालिया का निधन हो गया। उनका पेशा क्या था? पत्रकार, स्पोर्ट्समैन, सिंगर या फिर अर्थशास्त्री? जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्सवुमन, सिंगर या फिर इकोनॉमिस्ट? सही जवाब है इकोनॉमिस्ट। नेम द विनर ऑफ द F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। F1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता का नाम बताइए। देयर आर फोर ऑप्शंस, लुई हैमिल्टन, वाल्टेरी बोटास, मैक्स वर्स्टापेन, सेबेस्टियन वेटल। सही जवाब है वाल्टेरी बोटास। मुस्तफा आदिब हैज रिसेंटली रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर डिजाइनेंट ऑफ विच कंट्री। मुस्तफा आदिब ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? चार ऑप्शंस हैं, वेनेजुएला, साइप्रस, लेबनान या फिर मैक्सिको। सही जवाब यहाँ पर है लेबनान। ये इनकी पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the chairman of BCCI's Women's National Selection Panel? BCCI के महिलाओं के राष्ट्रीय चयन पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है, अंजू जैन, पूर्णिमा राव, शुभांगी कुलकर्णी या फिर नीतू डेविड। सही जवाब है नीतू डेविड। World Bank has recently approved a $200 million loan for safe water and sanitation in which country? विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 million के ऋण को मंजूरी दे दी है? बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल या फिर चाइना? सही जवाब है बांग्लादेश। प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की शेख हसीना। पिक्चर उनकी आपको सामने दिख रही है। Which of the following two players have been selected as the best footballer of the year of All India Football Federation? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में निम्न में से किन दो खिलाड़ियों को चुना गया है? चार ऑप्शंस हैं, इंदुमती कथिरेसन एंड सुनील छेत्री, डालिमा छिब्बर एंड इगोर स्टिमेक, गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधु एंड विमेंस मिडफील्डर संजू बाला देवी एंड अनिरुद्धा थापा। सही जवाब है गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू एवं महिला मिडफील्डर संजू। तो आप इनकी पिक्चर्स यहाँ पे सामने देख सकते हैं। The design of India's first regional rapid transit system train, which can attain a top speed of 180 kilometers per hour, is inspired by which of the following? भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन का डिजाइन जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति प्राप्त कर सकता है, निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? चार ऑप्शंस हैं, लोटस टेम्पल, ताजमहल, कुतुब मीनार या फिर हवा महल। सही जवाब है लोटस टेम्पल। एलिसा हेली क्रिकेटर फ्रॉम विच कंट्री हैज ब्रोकन MS धोनीज रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ डिसमिसल्स बाय विकेट
कीपर इन T20 इंटरनेशनल्स। एलिसा हिली किस देश के क्रिकेटर ने T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में विकेट कीपर द्वारा सबसे अधिक बार आउट होने के MS धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? ऑस्ट्रेलिया। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ स्कीम कॉल्ड पर्यटन संजीवनी स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट सब्सिडी टू एंटरप्रेन्योर्स टू रिवाइव द टूरिज्म इंडस्ट्री? किस राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए उद्यमियों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए पर्यटन संजीवनी योजना नामक एक योजना की घोषणा की? चार ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, असम, मिजोरम या फिर उत्तराखंड। सही जवाब है असम। चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, आपको सामने पिक्चर दिख रही है, सर्बानंद सोनोवाल। When is the World Tourism Day observed? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में मनाया गया था, कुछ दिन पहले, 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर या फिर 26 सितंबर। सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? World Tourism Day 27 सितंबर। In which country has the International Human Rights Organization Amnesty International India stopped its operations recently? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था Amnesty International India ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जापान, अमेरिका, इंडिया या फिर रशिया। सही जवाब क्या होगा? इंडिया। Who has been recently elected a member of the Parliamentary Committee on Foreign Affairs? विदेश मामलों के संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया है? चार ऑप्शन हैं, हरसिमरत कौर बादल, स्मृति ईरानी, जया प्रदा या फिर हेमा मालिनी। सही जवाब यहाँ पर है हरसिमरत कौर बादल। पिक्चर आप देख सकते हैं। Which director of the Indian film industry has been appointed as the president of Society of Film and Television Institute of India and the chairman of FTII Governing Council? भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के किस डायरेक्टर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शंस हैं, सलीम खान, करण जौहर, शेखर कपूर और महेश भट्ट। सही जवाब है शेखर कपूर। Which mega star of Bollywood has been chosen by Reserve Bank of India for customer awareness campaign? भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगा स्टार को चुना है? चार ऑप्शंस हैं, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सलमान खान या फिर सनी देओल। सही जवाब है अमिताभ बच्चन। Which first and only women chief minister of Assam passed away recently? असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया? यानी कि जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी उनका निधन हो गया, वो कौन थी? सुमन चक्रवर्ती, नंदिनी सतपथी, सैयदा अनवरा तैमूर या फिर मोना शर्मा। सही जवाब है सैयदा अनवरा तैमूर। Which state government has banned the sale of open cigarettes and BDs to reduce tobacco consumption and ensure compliance with the Cigarettes and Other Tobacco Products Act 2003? किस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खुली सिगरेट और बीडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? चार ऑप्शंस हैं, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब या फिर दिल्ली।
सही जवाब है यहाँ पर महाराष्ट्र। Who among the following has been appointed as the chairman of the Telecom Regulatory of India? TRAI. निम्नलिखित में से किसे भारतीय दूरसंचार नियामक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शंस: जी के मेहरा, नितिन कुमार कोहली, एच प्रदीप राव या फिर पी डी वाघेला। सही जवाब है पी डी वाघेला। With which of these countries has India recently inked an MOU for cooperation in the field of intellectual property? किस देश के साथ भारत ने हाल ही में बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है? चार ऑप्शन है: सिंगापुर, नेदरलैंड्स, डेनमार्क या फिर बेल्जियम। सही जवाब है डेनमार्क। द इंडियाज इंडिजिनियसली मेड माइक्रोप्रोसेसर मौशिक हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? भारत का स्वदेश निर्मित माइक्रोप्रोसेसर मौशिक किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद या फिर आईआईटी मद्रास। सही जवाब है आईआईटी मद्रास। वर्ल्ड हार्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? विश्व हृदय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चार ऑप्शंस हैं: 15 जनवरी, 10 मार्च, 20 मई या फिर 29 सितंबर। तो बीते दिनों में ही मनाया गया था, तो आपके सामने ही आंसर दिया हुआ है, आप समझ गए होंगे। 29th of September वर्ल्ड हार्ट डे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।